हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 से लेकर 12 ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2। चैप्टर 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 2 मैंने कल ही आपको कवर करवा दिया था। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल पर या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज हम उसके साथ हम एनसीईआरटी क्वेश्चन अभ्यास को भी सॉल्व करेंगे। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गति की। पृथ्वी किस प्रकार गति करती है, राउंड शेप में, समतल शेप में, या अपनी कक्ष पे ही घूमती है, या किसी और के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पृथ्वी जो गति करती है वो दो प्रकार से करती है। पहली है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है जब कोई वस्तु अपने ही जगह पर घूमती रहती है, उसे घूर्णन कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। जिस प्रकार हमें ये दे रखा है कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको समझाया है। साथ सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। साथ में हम देखेंगे चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हमने जो एज्यूम करके पृथ्वी अपने ही कक्ष पे चक्कर लगाती है, उसको हमने काल्पनिक माना गया है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वे समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जब पृथ्वी 66 डिग्री का कोण बनाती है तो वह अपने समतल जो कक्ष पे उसके द्वारा बनाया गया जो कोण है उसे कक्षीय समतल के नाम से जानते हैं। साथ में हमने देखा पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। तथा पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, बिल्कुल गोल इन्होंने मानना है, पर नहीं, कल हमने चैप्टर में पढ़ा था ये चपटी होती है नीचे से, तो इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर भाग में दिन होता है। आप सभी को पता है यदि सूर्य की रोशनी इस सीधे की तरफ पड़ेगी तो यहाँ पर तो दिन होगा, जिसके बैक साइड पर रात होगी। तो इसी प्रकार बताया गया है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसका मतलब है ग्लोब दो भागों में डिवाइड होता है, एक तरफ को दिन कहते हैं, दूसरी तरफ को रात के नाम से जाना जाता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। साथ में हमने पढ़ा है कि यह वृत्त का अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपनी कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं। यदि वृक्ष अपनी गति में घूमती रहेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, तो वो 24 घंटे का समय लेगी। साथ में घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। यदि पृथ्वी इधर से शुरू होकर इधर रुकती है तो इसको ये 24 घंटे का समय तो लेती है, साथ में इस काल को हम पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। कौन सी गति होती है बच्चों, दैनिक गति होती है। आइए हम इसके डायग्राम को समझेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार घूमती है। पृथ्वी के कक्ष समतल पर लंब की जो स्टेट समतल होता है उस पर लंब पड़ा होता है, तथा पहले वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, तथा ऐसी वाली रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तथा ये अपनी कक्ष पर किस प्रकार का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तथा पृथ्वी किस प्रकार अपने अक्ष पर झुकती है, तो उसका ये डायग्राम बताया गया है। साथ में आज हम पढ़ेंगे आओ कुछ कर सीखें कि किस प्रकार हम कुछ अन्य चीज़ सीखने को मिलती है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लीजिए, तथा सूर्य को दर्शाने के लिए जलती हुई मोमबत्ती आपको
लेनी है। साथ में गेंद पर शहर जेड एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाना है कि आप कोई गेंद लो उस पर निशान लगा दो। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो, एक्स की तरफ अंधेरा हो जाए। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, जहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम चलेंगे पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमें क्या बोल रखा है बच्चों, अगर पृथ्वी घूमना नहीं करेगी तो क्या होगा, यदि पृथ्वी अपने चक्कर पे नहीं घूमेगी तो क्या होगा। सो सूर्य की तरफ वाले ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि अगर सूर्य ये पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, चक्कर करने घूर्णन तथा परिक्रमण करना बंद कर दिया, तो क्या हमारी पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, पृथ्वी एक तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। यदि वह घूमेंगी ही नहीं तो सूर्य का प्रकाश जिस तरफ पड़ता है वहाँ पर गर्मी गर्मी रहेगी 24 घंटे, और जिस उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती ही रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा ही रहेगा, पूरे समय ठंडा पड़ा रहेगी, वहाँ पूरे समय ठंड रहेगी एक तरफ और एक तरफ पूरी तरफ गर्मी ही रहेगी। इस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। साथ में इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं रहेगा, ना तो हम ज़्यादा ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे, जीवन अपना बिता पाएंगे, ना ज़्यादा गर्मी में। तो हमें दोनों प्रकार के मौसम की आवश्यकता पड़ती है। साथ में हम देखेंगे पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी एक वर्ष में उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन का दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे कर करके पूरा चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है, 365 दिन 1/4 दिन में चक्कर लगाती है। साथ में हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं, तो हमने ये माना कि ये पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, तथा इसको हम 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। साथ में हमने देखा है, इसमें देखेंगे कि ध्रुव तारा दक्षिणी और पश्चिम, वसंत ऋतु विश्व में 21 मार्च पर यह होता है, तथा ये शरद ऋतु कहलाती है। इधर नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव तथा ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और 21 जून को क्या होता है, उत्तर अनियांत 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। साथ में सूर्य की रोशनी शरद ऋतु में क्या होता है, सूर्य की रोशनी बिल्कुल उत्तर ध्रुव पे पड़ती है, तो ये कब का टाइम पीरियड होता है, 23 सितंबर का होता है। साथ में हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में अगर इसकी रोशनी इधर की तरफ पड़ेगी तो इस वाले भाग में ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए 22 सितंबर को सबसे ठंडा दिन माना जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार चारों वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर माना जाता है। इसके अतिरिक्त मतलब उसमें से छः घंटे बचे ऐसे ही सबका मिलाकर हम 24 घंटे मानते हैं, तो दिन को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है, तथा फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, इसलिए हम 28 दिन 4 साल बाद हमेशा लीप वर्ष मनाया जाता था, उसमें 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया है, जब 4 साल बाद हम 24 घंटे को ऐड कर देते हैं तब हम लीप वर्ष कहते हैं, उसको हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। पता लगे कि अगले लीप वर्ष कब होगा, तो हमेशा लीप वर्ष 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। साथ में हमने देखा है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी होती है, मतलब एक ही साइड पे उनका पृथ्वी का झुकाव ज़्यादा होता है। सामान्य एक वर्ष में गर्मी सर्दी वसंत शरद ऋतु में बांटा
जाता है। ऋतु में परिवर्तन समय के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यदि ऋतु में परिवर्तन होगा तो सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देता है। साथ में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। आइए आओ कुछ कर सीखे। क्या आप जानते हैं कि दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है? गोलाकार वृत्त किस प्रकार बनाया जाता है? एक पेंसिल लो, दो पेन लो, एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब ये दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले के कागज़ पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे की ओर घुमाया जाएगा। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घ वृत्त आकार होगी। आप इस प्रकार इसको प्रैक्टिकल में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चित्र। अब हम देखेंगे कि चित्र देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तरफ झुका होता है। सबसे ज़्यादा झुकाव किस दिन होता है? तो 21 जून को होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सबसे सीधी पड़ती है। इसके प्रमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि 21 जून सबसे गर्मी वाला दिन होता है तथा ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है वो ज़्यादा झुका होता है, इसलिए 6 महीने तक लगातार गर्मी पड़ती रहती है। साथ में हमने देखा उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और हमने देखा कि 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि किस दिन सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात मानी गई है तथा पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर पृथ्वी की सीधी रेखा पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है तथा वहाँ पर जिस पर मकर रेखा पर लंबवत सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश अधिक पाया गया है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु विपरीत दिशा में होगी तो उसे दक्षिणी अयनांत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है कि जब गर्मी आती है तब वो क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 21 मार्च एफ 30 सितंबर को सूर्य किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूर्य किरणें विषुववृत्त पर सीधी कब पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 30 सितंबर को इसकी सीधे रेखा पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य के ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जब हमारे रात और दिन बराबर होते हैं तो उस दिन को हम विषुववृत्त कहा जाता है। उस टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? विषुववृत्त रेखा के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर को
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, मतलब अपोजिट मानी गई है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा इस प्रकार हम स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं पर परिवर्तन होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात में कई अंतर होता है? चलिए आइए पता करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घ वृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। वृत्त दीर्घ वृत्त वाले रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थिति कृषि वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएंगे। अब झंडे को उसी स्थिति बिंदु की तरह रखते हुए दीर्घ वृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहेगा। जो पृथ्वी की एक साइड है वो एक ही स्थिति में रहेगा तथा पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में ही झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन देखा गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऋतु में परिवर्तन देखा गया है। आइए अब देखते हैं अभ्यास के क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी है जो वो अपने अक्ष पर कि पृथ्वी अपने पृथ्वी एक प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी के एक अक्ष का झुकाव जो कोण बनाती है वह किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा इसका कि पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी हुई रहती है। इसका कोण 66/2 डिग्री होता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था इसका कोण कितना होता है 66/2 डिग्री माना गया है। साथ में आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए कि घूर्णन क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर ही चक्कर लगाती रहती है तो उसे घूर्णन कहते हैं तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे हम घूर्णन कहेंगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं। यदि यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, जिस प्रकार में उसमें 24 घंटे को ऐड किया जाता है। साथ में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर एवं दक्षिण आयनांतों में अंतर किस प्रकार होता है। तो उत्तरी आयनांत का मतलब होता है यदि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरी आयांत के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि दक्षिणी आयांत क्या होता है। यदि दक्षिणी आयांत में 21 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी आयांत के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विषुव क्या है। तो हमने देखा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा पर वो सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी वृत्त
कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, सूर्य की तरफ कहीं भी नहीं झुका होता, तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर पाए जाते हैं, तो दोनों इक्वल भाग में पाए जाते हैं, जिसे हम विषुवृत्त विषु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयांत अलग अलग समय क्यों निर्धारित किया गया है, कि उत्तरी और दक्षिण पर ही हम अलग अलग क्यों प्रतीत होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार, आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का आयांत अलग अलग ही होता है। हमने अभी पढ़ा था कि उत्तरी आयांत और दक्षिण आयांत के सीधी रेखा पर पड़ने पर उनका अलग अलग मान निर्धारित किया गया है। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जब दक्षिण सूर्य की ओर झुका होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ ही झुका होता है, तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, सूर्य किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस प्रकार दक्षिण गोलार्ध में तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी और दक्षिण के आयांत अलग अलग समय में होते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, आइए 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एव 6 महीने की रात क्यों मानी गई है। हमारे जो ध्रुव होते हैं उस पर 6 महीने की रात 6 महीने के दिन क्यों होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्यों होता है, क्योंकि हम रहते भी 6 महीने सर्दी में और 6 महीने गर्मी में। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य किरणें पड़ती रहती है, बिल्कुल सीधी सूर्य किरणें पड़ती रहती है, जिसमें 6 महीने का दिन होता है तथा 6 महीने की इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की सूर्य किरणें पड़ती रहती है तथा उस वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पाई जाती है तथा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर रात पाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट है, आइए चलते हैं हम, सही उत्तर चुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हम उसे परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हमारा परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है। कि जो सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तो इसका आंसर है 21 मार्च। सेकेंड थर्ड हमारा क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। क्या जापान में मनाया जाता है, भारत में या ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी को पता ही है भारत में तो दिसंबर में मनाया जाता है, तो रह गया हमारे क और ग। तो जापान में तो मनाया जाता नहीं है, तो हमारे आंसर है ग, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। कि ऋतु में परिवर्तन हो रहा है वो किस गति के कारण होता है। क्या वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, नहीं। क्या वो घूर्णन के कारण होता है, नहीं। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों लगाती है तो कभी इस दिशा में रोशनी पड़ती है और पिछले भाग में नहीं पड़ती, तो इसमें परिक्रमण के कारण ऐसा ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। आइए, खाली स्थान किस प्रकार है। कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या
366 होती है, 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम घूर्णन के नाम से जानते हैं, तथा इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम घूर्णन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में होती है, तो किस कक्ष में होती है? वो स्थिर कक्ष में होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो किस ऋतु में दिन सबसे छोटे पाए गए? शीत ऋतु में हमारे दिन सबसे छोटे होते हैं। आई होप आप सभी को ही मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। तो थैंक फॉर विशिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो, और अगर पसंद नहीं आए तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल शिक्षाविद आशा।